श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो बेलपत्र का उपाय करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि पंडित प्रदीप मिश्रा बहुत सारे उपाय जो हैं, यानी शिव महापुराण के जो वो उपाय बताते हैं, बहुत सारे उपाय, लगभग 50% या 50% से ज़्यादा उपाय उनके बेलपत्र से संबंधित होते हैं, यानी बेलपत्र का जिसमें यूज़ होता है। तो अगर आप भी बेलपत्र का उपाय करते हैं और उपाय करने के बाद भी अगर आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से आपके द्वारा किया गया जो बेलपत्र का उपाय है उससे आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी क्या वजह है, उसी वजह को इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या कारण है, ऐसा कौन सी विधि हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर पा रहे हैं, जो हमसे छूट रहा है, जिसकी वजह से हमारे द्वारा किया गया कोई भी जो उपाय है, यानी बेलपत्र का जो उपाय है, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी बात की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो और अगर आप भी एक ऐसे साधक हो, ऐसे भक्त हो जो बेलपत्र का उपाय करते हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेलपत्र बताता हूँ। ये मेरे पास एक बेलपत्र है, ठीक है, ये बेलपत्र देख रहे हैं आप। बेलपत्र में ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, शिव महापुराण की कथा में उन्होंने ये बताया है कि अगर बेलपत्र में पूरी तरह से बेलपत्र को धोने के बाद भी अगर बेलपत्र के पत्ते पर कहीं पर चक्र रह जाए या फिर उसमें गदा रह जाए, चक्र रह जाए या गदा रह जाए। अब आप सोचोगे यार बेलपत्र में चक्र और गदा कहाँ से आ गए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चक्र और गदा इस बेलपत्र में क्या होते हैं। तो देखिए, ये जो आप पीछे वाली डंडी देख रहे हैं, ठीक है, ये पीछे वाली डंडी है, यहाँ तक तो आपके पत्ते हो गए, पत्ते के बाद ये पीछे डंडी लगी रहती है। इस डंडी का जो आगे वाला भाग होता है, जहाँ से ये बेलपत्र किसी टहनी में जुड़ी हुई होती है, वहीं से जब हम तोड़ते हैं तो उसमें एक छोटा सा डूठ रह जाता है ना, डूठ रह जाता है, उसी डूठ को हम गदा बोलते हैं। क्लियर? जो बेलपत्री का पिछले वाली डंडी होती है, डंडी का जो मोटा पार्ट जहाँ से हम टहनी से उसको तोड़ते हैं, वो वाले पार्ट जो जिसको हम डूठ भी बोलते हैं, वो डूठ ही गदा कहलाती है। ठीक है, तो एक तो हो गई गदा। दूसरा, अब आप बात करते हैं चक्र की। तो आपने देखा होगा कई बार जब आप ऐसे हाथ से उसको छूते हो, बेलपत्र को छूते हो, तो उसमें कहीं कहीं उभरा हुआ चीज़ दिखती है, उभरी हुई दिखती कहीं पर, जैसे ऐसा लगता है जैसे पिंपल्स हो गए हो, यानी कुछ बिंदु ऐसी होती है जो उभरी हुई दिखती है उसके ऊपर। अगर ऐसी कोई बेलपत्र आपके पास आ गई है जो जिसके किसी भी पत्ते पर उभरा हुआ हिस्सा थोड़ा सा है, जैसा ऐसा लगता है कोई बिंदु है यहाँ पर जो आपको उभरी हुई दिख रही है, इधर से या इधर किधर भी तरह से, आगे की तरफ से उभरी हो सकती है, पीछे की तरफ से उभरी हो सकती है, लेकिन अगर उभरा हुआ पार्ट किसी भी पत्ते पे, तीनों पत्तों में से किसी भी पत्ते पे अगर उभरा हुआ पार्ट है जो पिंपल्स टाइप का आपको दिखता है, कोई उभरा हुआ पार्ट दिखता है, कोई उभरा हुई छोटी सी जगह दिखती है, इसका मतलब उसमें चक्र है। ठीक है, धोने के बाद भी आपने थोड़ा ऐसा कर दिया, इसके बाद भी वो जो उभरा हुआ भाग वो खत्म नहीं हो रहा है, या बैठा हुआ भाग खत्म नहीं हो, यानी उभरा हुआ भाग इधर से होगा, बैठा हुआ इधर से होगा, सिंपल है। तो अगर ये दोनों भाग धोने के बाद भी खत्म नहीं हो पा रहे, इसका मतलब वो चक्र वाला है। तो इसका मतलब ये है कि बेलपत्र में अगर चक्र है या फिर गदा है, इस प्रकार की बेलपत्र को जब हम शिव को अर्पित करते हैं तो वो उसको स्वीकार नहीं करते, भगवान भोलेनाथ जो है उस बेलपत्र को स्वीकार नहीं करते। इस वजह से बेलपत्र के द्वारा जो उपाय किया जाता है उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। ठीक है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई बेलपत्र में गदा या फिर चक्र बन जाता है या रहता है, उसी बेलपत्र को आप चढ़ा देते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि गदा क्या होती है और चक्र क्या होता है। तो अगर चक्र वाली बेलपत्र को आप शिव को अर्पित कर रहे हो किसी उपाय में, या गदा वाली बेलपत्र को शिव को अर्पित कर रहे हो किसी उपाय में, तो वो उपाय में, पर्टिकुलर उस उपाय में, जिस उपाय में ऐसी बेलपत्र का यूज़ कर रहे हो जिसमें गदा या चक्र होती है, उस उपाय में आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो बेलपत्र को भगवान शिव उसको स्वीकार नहीं करते। इस वजह से उस पर्टिकुलर उपाय में आपको सफलता नहीं मिलती। तो जब भी आप बेलपत्र का कोई उपाय करें, बेलपत्र से संबंधित कोई भी उपाय करें, जब भी आप बेलपत्र भगवान को चढ़ाएं, उस समय जरूर चेक कर लें बेलपत्र को कि कहीं ये बेलपत्र चक्र वाली बेलपत्र तो नहीं है, डूठ वाली बेलपत्र तो नहीं है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपके द्वारा किया गया बेलपत्र का कोई भी उपाय खाली नहीं जाएगा और आपको जरूर सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तथा आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।